हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय चैनल। इस नए व्लॉग में सभी लोग को स्वागत करते हैं। आज फर्स्ट डे है माघ मेला का, और हमने जैसे पिछले वीडियो में कहा था शायद आ सकते हैं, आ गए हैं। और आज बहुत ज़्यादा भीड़ है हमारे पीछे, आगे पीछे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है। जी देखिए पीछे भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। अभी मैं जा रहा हूँ संगम निर्धारित पार्किंग स्थल पर खड़ा कर ही अभी आपको आज दिखाने वाला हूँ कि कितनी भीड़ है। आप आने वाले और आपको ये बता देता हूँ, आप बाइक अंदर लेके नहीं आ सकते हैं, ना बाइक ना कार, आप पैदल जाइए। मैं लगभग मुझे 25 मिनट हो गया मैं पैदल चलते हुए, अभी पैदल चलते चलते मैं थक गया हूँ, 25 मिनट से पैदल चलूँगा। ये समझ लीजिए यहाँ पे बाइक टैक्सी कार किसी चीज़ को अंदर ले आना मना है। बस अब पैदल चल रहे हैं और चलते जा रहे हैं। और आज तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि आज फर्स्ट डे है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ है। कल भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी जब मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन आज भी भीड़ है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा भीड़ है। अभी आपको दिखाएंगे जहाँ पे हम जा रहे हैं संगम की तरफ, तो वहाँ आपको दिखेगा कितनी भीड़ है, कितने लोग आए हैं। संगम में एक अच्छी बात है, यहाँ पे बहुत दूर दूर के लोग आते हैं। मान लीजिए जैसे इंडिया का आते ही है, विदेश के भी आते हैं। एक्चुअली ये है माघ मेला है, ये हर साल लगता है, लेकिन जब अर्ध कुंभ लगता है तो ये यहाँ पे विदेश से भी आते हैं। ये अच्छी बात है और ये काफ़ी फेमस है, आप सभी लोगों को पता है। अब देखिए भीड़ बहुत ज़्यादा है। फाइनली हम संगम के करीब आ गए हैं। ये देखिए हल्का लगभग 100 मीटर और बाकी है, आ गए हैं। अब लग रहा है कितनी भीड़ है भाई, अब चलने में भी बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। अच्छा भी लग रहा है बहुत यार, मेरे को तो संगम घूमने बहुत मस्त लगता है, संगम घूमने में बहुत मज़ा आता मुझे। जैसा आपको बताया था मैं आ गया हूँ संगम में, देखिए आप कितनी भीड़ है, अच्छा लग रहा है बहुत। आज का मौसम भी बहुत अच्छा है, धूप निकली होती ना चलने में भाई बहुत दिक्कत, आधे घंटे ज़्यादा हो गए चलते हुए मैं, इतनी ज़्यादा भीड़ है। कल देखिए इसी जगह आया था, इसी जगह था मैं, कल भीड़ नहीं थी, लेकिन आज कितनी भीड़ है। कदम कदम पे हमारे पुलिसकर्मी नौजवान साथी आपके एक बात बताता था, मैंने कल की वीडियो में बताया था कि जहाँ स्नान कर रहे हैं वहाँ वीडियो बनाना मना है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे मना है, आप जहाँ स्नान कर रहे हैं वहाँ वीडियो नहीं बना सकते हैं, इसलिए है वीडियो मत बनाइए। अब मैं वीडियो मन नहीं बनाऊंगा, अभी थोड़ी देर के बाद मिलते हैं आप सभी लोग। सो गाइस फाइनली मैंने संगम घूम लिया है, आज का फर्स्ट डे, संक्रांति दिन है आज का, और इसी कारण आज ज़्यादा भीड़ है, तो मैंने घूम लिया संगम पूरा चारों तरफ। मैं थक बहुत ज़्यादा गया, थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं वहाँ से आया, आधे घंटे वहाँ लग गया मुझे संगम तक आने आते आते, इसलिए वहाँ से टैक्सी आने नहीं दे रहे, पैदल आना पड़ेगा आपको, तो पैदल आते आते आधे घंटे लग गया, थक गया था मैं। तो यहाँ पर मैंने घूमा एक घंटे के बाद, अब तो और ज़्यादा थक गया हूँ मैं घूमने के बाद। अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा नाश्ता करने के लिए, मैंने कल की वीडियो में बताया था फ़ोटो या वीडियो बनाने के लिए सख्त मना है यहाँ पे, इसलिए अभी मैंने देखा वहाँ पे मैं घूम रहा था कि जो फ़ोटो खींच रहा है या वीडियो बना रहे हैं पुलिस वाले उनके मोबाइल छीन रहे हैं, क्या कैमरा है जो कैमरा छीन के रख ले रहे हैं। तो मैं ये एक सलाह दूंगा कि आप जहाँ स्नान करने का घाट है वहाँ पर आप वीडियो या फ़ोटो मत खींचिए, वीडियो मत बनाइए। आप बाहर आइए, बहुत जगह है फ़ोटो खींचने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, आपको बता देता हूँ। आपका फ़ोन ले लेंगे तो थोड़ी देर तक देंगे नहीं, आपको परेशान करेंगे, क्या मतलब होगा।
तो ये मैं नाश्ता कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आप सभी लोग से मिलता हूँ। मैं आ गया, देखिए ये रे दुकान, नाश्ता करने के लिए नाश्ता कर लेता हूँ। और बगल में ये देखिए पीपा पुल उधर साइड है, और उधर मैं जाऊँगा, ज़रूर एक बार जाऊँगा, नाश्ता कर लेता हूँ, उसके बाद आपसे उससे मिलता हूँ। सो गाइस, नाश्ता हो गया है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे जो सुविधा दी गई है वो बहुत मस्त दी गई है। देखिए हर जगह आपको ऐसे टोटी मिल जाएगी पानी पीने के लिए, और इस तरह आपको टॉयलेट मिल जाएगी यहाँ पे हर जगह। सुविधा तो बहुत अच्छा दे रखा है सरकार ने, कमी कुछ नहीं है और मस्त सब चीज़ मस्त है भाई। पानी है, टॉयलेट करने के लिए आपको जगह है, हर चीज़ है, उपलब्ध है। और बस एक्चुअली यहाँ पे नाश्ता करने के लिए सही चीज़ नहीं, जहाँ मैं था वहाँ चाय था, बिस्किट नमकीन आप खा सकते हैं। वैसे खाने के लिए कुछ नहीं था, वैसे बस ये चाय थी बिस्किट थी। तो मैं आप ढूँढ रहा हूँ कहीं अच्छी जगह कुछ खाना मिल जाए खाने के लिए। पहले चाय थी, देखो बिस्किट थे, इतना दूर मिटने वाली नहीं है, थोड़ी थोड़ी देर तक कंट्रोल हो जाएगी। तो ढूंढता हूँ पट्टे से और खाना खाता हूँ। बस आप ऐसे सब लोग वीडियो बने रहिए। और आपको बता देता हूँ, अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कर देना यार। ये पीपा पुल पागे हैं, चलो आपको घुमाते हैं। आप सभी लोग देख सकते हैं हम पुल पा गए इस टाइम पे, पीपा पुल, और ये पुल नंबर 8 है। ये देखिए कितना मस्त लगा, सो ब्यूटीफुल यार, क्या नज़ारा भाई। तो ये पीछे हमारे ये गंगा जी हैं, आप देख सकते हैं गंगा जी की लहरें, देखिए कितनी तेज़ हैं, कितनी तेज़ पानी बह रहा है यार। देखिए कुंभ बहुत बड़ा, मतलब जो कुंभ क्या माघ मेला जो लगता है, देख लीजिए यहाँ पे कुंभ भी लगता है, आप सभी लोगों को पता होगा। देखिए माघ मेला कितना बड़ा, बहुत बड़ा लगता है, हर साल लगता है, आप सभी लोगों को पता होगा। यहाँ कुछ लड़के सेल्फी ले रहे हैं, और ये देखिए मैं पीपा पुल पे खड़ा हूँ अभी, और ये आपको बताइए ये 8 नंबर है पीपा पुल। आप बताएं, अभी मेरे को उस साइड जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उधर कुछ ज़्यादा खास नहीं है। आपको स्नान करना हो या संगम देखना हो तो आप इस साइड जा सकते हैं, इधर जाने की ज़रूरत नहीं मुझे। बस मैं इधर पीपा पुल के लिए आया था, अब वापस चलते हैं। अब चल रहे हैं वापसी, किस लिए? उस साइड कोई दुकान नहीं है खाना खाने के लिए, भोजन करने के लिए या नाश्ता करने के लिए, तो मेरे को उसी साइड ढूंढना है। और आपको बताया है इस साइड, मतलब इधर हर चीज़ आपको मिल जाएगी, इस साइड तो वैसे ही नॉर्मली इधर कुछ है नहीं, बस उधर रहें जो बाहर से आते हैं पब्लिक वहाँ रुकती है उनके लिए है। और उधर स्नान बहुत कमी हो रहा है, इस साइड ज़्यादा है। चलते हैं खटाखट, वैसे तो मैं थक गया हूँ। ये देखिए पुलिस भाई लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, 24 घंटे के लिए उपलब्ध हैं यहाँ पे। अगर कुछ बताते हैं सिखाया तो आप दर्ज करवा सकते हैं।
वापसी घर की तरफ। और इस साइड देखिए कितनी भीड़ लगी है, यहाँ पे भैंसवाड़ी अपने देख रहे हैं, भैंस जो जो पंछी नहीं होते उसको लेके बैठते हैं, जो उसमें से जो कागज़ निकालती है पंछी, इतनी भीड़ लगा रखी है उसको देखने के लिए। अपना भविष्य देख रहे हैं सही सारे लड़के। और आपको बता देता हूँ यहाँ पे ये माघ मेला में आपको कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिलेगा, जो भंडारा हो वो खा सकते हैं आप, मतलब भंडारा लंगर जो हो रहा है उसे खा सकते हैं आप। और क्या चाय बाएँ थोड़े छोटा मोटा नाश्ता हो सकता है, खाने पीने के लिए कुछ वैसे है नहीं ज़्यादा। आप खाने पीने के लिए आपको थोड़ा सा बाहर जाना पड़ेगा तो मिलेगा, तो हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं इधर बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसलिए वहाँ पे भंडारा बढ़ रहा था तो मैंने भी खाना खा लिया। और बगल में टैंकर है पानी पीने के लिए, पी सकते हैं, तो मैंने खाना खा लिया पानी पी लिया, सब चीज़ मस्त हो गया है। अब जान आई है, अब लग रहा है हाँ वीडियो अच्छी बनेगी, तो चलते हैं, बस चलते रहिए अभी हनुमान की मंदिर है उधर उस साइड, मुझे दर्शन करना है, दर्शन करने बाद तो घर की तरफ जाना है। तो अभी मुझे तो 5 मिनट लग ही जाएगा वहाँ तक पहुँचने में। तो आ गए हैं हम हनुमान मंदिर, बगल में जस्ट उसके आप जानते हैं जो यहाँ पाया हो उसके बगल जस्ट में किला है, और मैं दर्शन कर लेता हूँ। जस्ट उसके बगल में किला है, अभी हम जाएंगे नहीं किला, देखेंगे कभी भी आएंगे तो ठीक है, नहीं तो अभी मैं थक गया हूँ जाने का, मेरा बस अब मन नहीं है, और दर्शन करना है मुझे, दर्शन करने बाद तो चलते हैं घर की तरफ। तो आप देख सकते हैं आपको दिखाता हूँ मेरी मंदिर, और उसके पीछे देखिए इस साइड ये देखिए, आपको मोबाइल में इस साइड मतलब उसके जस्ट बगल में किला है, तो मैं दर्शन कर लेता हूँ, उसके बाद आप सभी लोग से मिलते हैं। जब तक इस वीडियो में बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में सभी लोग से मिलते हैं। वीडियो का शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आज के दिन कैसा था, फर्स्ट डे।